नमस्कार। हैप्पीनेस एंड वेलबींग का ये 9th सेशन है और स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव वेलबींग का ये 6th सेशन है, जो इस श्रृंखला का आखिरी सेशन है। और अगले सेशन में हम इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस संबंधित इंटरवेंशन प्रोग्राम्स पर बात करेंगे। आज के टॉपिक में हमने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज सेलेक्ट करी हैं जो अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में काफी इफेक्टिव पाई गई है और पार्टिसिपेंट्स ने भी इनको सराहा है। पार्क्स अपने एसोसिएट्स के साथ 2012 में इन्होंने इस संदर्भ में स्टडी करी और ये पाया कि चेकलिस्ट से और पार्टिसिपेंट्स के व्यूज के अनुसार कौन सी वो स्ट्रेटजीज हैं जो हैप्पीनेस बढ़ाती हैं या बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। इस सीरीज में इन्होंने बताया कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो परसुइंग गोल्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू मी सबसे ऊपर था। 74% लोगों ने इसको सराहा। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो काम हमारी हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, जब वो काम हम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना या जो आपने अपना टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करते हुए अगर आप अपना अपनी दिनचर्या बना रहे हैं और पढ़ाई पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा खुश होंगे। बीइंग ऑप्टिमिस्ट, जो हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, इसको भी हमने कई बार डिस्कस किया है और बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कह रही हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज जब हम करते हैं उस दौरान हमारी बॉडी एज वेल एज माइंड दोनों ही रिफ्रेश होते हैं। सेविंग लाइफ ऑफ जॉय, इंटरवेंशन प्रोग्राम्स में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी मानी गई है और इसमें बताया गया है कि एटलीस्ट एक एक्टिविटी आपकी दिन में ऐसी होनी चाहिए जिसको आप खूब इंजॉय करते हैं, खूब उसमें वो करने में आपको मज़ा आता है। ये आपकी कुछ हैबिट्स भी हो सकती हैं, कुछ आपकी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। जैसे जहाँ भी आपका मन करता है, जिस तरह का काम करने का आपका मन करता है, उन एक्टिविटीज़ को आप इंजॉय करिए और एटलीस्ट वन, स्पेशली अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं तब आपके लिए ये वाकई एक कारगर स्ट्रेटजी मानी गई है। एक्टिंग लाइक अ हैप्पी पर्सन, आप कोशिश करिए कि आप खुश रहें। डूइंग एक्टिविटीज दैट मेक मी फील इन द मोमेंट, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की हमने काफ़ी बात करी है पिछले सेशंस में भी और इसके कारण ये हुआ कि आप पूरी तरह से अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। वो मोमेंट आप बहुत पसंद करते हैं कि आपने उस दौरान बड़े फ्लो में रहकर अपना काम किया। प्रैक्टिसिंग रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, यहाँ एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमने एक इस पे रिसर्च भी करी है जिसमें हमें ये मिला कि जैसे फॉरगिवनेस, कंपैशन, दया भाव रखना, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस होना, आभार प्रकट करना और हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करना, जैसे जो चीज़ें आपके वश में नहीं हैं उन्हें आप अपनी डेस्टिनी पर, अपने भाग्य पर, अपने भगवान पर छोड़ दें, वो एक तरह से हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म हुआ जो आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस इस टाइम नहीं दे रहा। तो ये कुछ मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं जो हम जब रिलीजियस और स्पिरिचुअल होते हैं उस दौरान हमारी मदद करते हैं। यूजिंग स्ट्रेटजीज दैट हेल्प मी कोप विद स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी, तो अगर आपको कुछ स्ट्रेटजीज पता है और आप उन स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं जब भी आप ज़्यादा तनाव में हैं या जब भी आप एडवर्स कंडीशंस में हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अवॉइडिंग ओवर थिंकिंग एंड कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स, ये भी एक कारगर स्ट्रेटजी पाई गई है कि एक्सट्रीमली ना सोचें, जो सोचना हमारे लिए ज़रूरी है पर उतना नहीं जो आप हमें टेंशन दे, हमें डिप्रेशन दे, हमें स्ट्रेस दे, और अपने आप से कंपेयर करिए। आपका जो कंपैरिजन है वो खुद से होना चाहिए, जो लास्ट टाइम में आपने किया था कैसे उससे और अच्छा कर सकते हैं, यही एक तरह से प्रोग्राम टू ग्रो की प्रैक्टिस है, बजाय कि हम और दूसरे लोगों से कंपेयर करें। हमें पता है कि हर इंसान की अपनी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं या अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपने कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं, हर किसी की अपनी वीकनेसेस हैं, हर एरिया में हर कोई अव्वल नहीं हो सकता,
जिसको हम अगली सेशन में भी डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, इस पे हमने काफी पिछले सेशन में भी जोर डाला है, और मेडिटेट करने से हमें वाकई काफी फायदा होता है। हैप्पीनेस हैबिट्स या हैप्पीनेस इंक्रीजिंग स्ट्रेटजीज जब हम दूसरों के साथ डील करते हैं, ये पाया गया है कि अगर हम काइंडनेस दिखाते हैं, अगर हम फॉरगिवनेस मोड में रहते हैं, अगर हम कंपैशन या करुणा दया भाव से रहते हैं, अगर हम थैंकफुल रहते हैं, आभार प्रकट करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, प्रो सोशल स्पेंडिंग इवन सर्विस करना दूसरों के लिए, उन पे अगर आपके पास बहुत पैसा है तो पैसा खर्चना और दूसरों की मदद करना, ये कारगर स्ट्रेटजीज हैं खुश रहने के लिए, और इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में काफ़ी प्रमोट किया गया है। उन्हीं स्ट्रेटजीज की एक और रिवीजन जिसमें हम कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैप्पी पीपल, तो ये पाया गया है कि रिलेशनशिप्स टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं ज़्यादा कम मायने नहीं रखता, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप मायने रखता है। आगे मैं एक स्टडी में आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स हैं इंडियन रूरल सोसाइटी से, उनमें ये पाया गया है कि हमारी इंटरपर्सनल रिलेशंस स्ट्रेंथ ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है। एक्ट ऑफ काइंडनेस हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिजिकल वेलबींग, फ्लो जहां आप अपनी लाइफ का बेस्ट कर पाए, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट एंड मीनिंगफुल पर्पस एंड मीनिंगफुल लाइफ का हमने पहले भी डिस्कशन किया है, स्ट्रेंथ्स एंड वर्चूज जो एक स्लाइड में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एंड ग्रोथ माइंडसेट, दोनों की हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। इसके आगे जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो ये कि हम जब इन सब चीज़ों की बात करते हैं उसके बाद और क्या फैक्टर्स हैं। 2017 की एक जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वहाँ इन्होंने बोला है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ हैप्पीनेस, और इन्होंने पाया कि तीन फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नंबर वन, फाइनेंशियल कंट्रोल, आपको जितना पैसा चाहिए उतना आपके पास अवेलेबल होना, और जो आपको कुछ और करना पसंद है उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपके पास फाइनेंस, आपके पास इकोनॉमी, आपके पास पैसा होना। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप। हमारी कल्चर में ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम कलेक्टिविस्टिक कल्चर को बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपसी संबंध और ज़्यादा मायने रखते हैं। सेंस ऑफ पर्पस, मीनिंगफुल एंड सेंस ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारी हैप्पीनेस को फैसिलिटेट करता है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड के दौरान बताया था कि हमने रूरल एरियाज में स्पेशली रूरल वीमेन पे बहुत सारी स्टडीज़ की हैं, सीरीज ऑफ स्टडीज़ जिसमें हमने उनकी लाइफ के बहुत सारे फैक्टर्स को रिवील करा, और ये समझने की कोशिश करें कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस का क्या लेवल है, कौन से फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं हैप्पीनेस, कौन से फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं हैप्पीनेस, या कहें कि उनकी हैप्पीनेस में एक तरह से बाधा बनते हैं। इसी सीरीज में हम लोगों ने शुरुआत में जो क्वेश्चन पुट करें वो थे कि आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो घटी है, बढ़ी है या बराबर है, और वहाँ मुझे बड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स दिखे, और वहाँ निकल के आया कि लोग कंफ्यूज हैं दो पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए, जब वो आजकल की फैसिलिटीज़ की बात करते हैं या वो आपसी संबंधों की बात करते हैं। और अगली इस सीरीज़ की रिसर्च में हमने बहुत क्लियर कट क्वेश्चन पुट किया कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये जब हम फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी आ जाना, हमारे पास ज़्यादा सुख सुविधाएं आ जाना, उसका वो आप जब ध्यान में लेते हैं तब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जब आप आपसी संबंधों को ध्यान में लेते हैं तब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पिछले 10 साल में घटी है, बढ़ी है या बराबर है। और हमें यहाँ बहुत क्लियर रिजल्ट्स मिली,
जिनसे शायद आप भी एग्री करते होंगे। जब फैसिलिटीज की हम बात करते हैं, पिछले 10 सालों में साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है और वो हमारे गांव तक भी पहुंची है। इसलिए जब फैसिलिटीज की बात करते हैं, उस दौरान उनका व्यू ज्यादातर ये था कि अब क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है। लेकिन जब हमने आपसी संबंधों की बात करी, जिसमें हमने कुछ पॉजिटिव आपसी संबंध लिए थे, कुछ नेगेटिव आपसी संबंध लिए थे। पॉजिटिव आपसी संबंध जैसे एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे के लिए आभार व्यक्त करना, एक दूसरे के लिए दया भाव रखना, और इसके जो विपरीत हमने रखा था वो था एक दूसरे से ईर्ष्या करना, एक दूसरे से और ज्यादा झगड़ा करना, एक दूसरे से जेलेसी फील करना, एक दूसरे से होड में रहना, कंपटीशन में रहना। वहाँ हमें समझ आया कि जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो जो ज़्यादातर टेंडेंसी थी रिजल्ट्स की, वो ये थी कि अब हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं वो डिटीरियोरेट हुए हैं। इस फैक्टर पर हमें और अच्छी समझ बनाने की ज़रूरत है और हमें हमारे रिलेशनशिप को हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये इसलिए भी जरूरी है कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि हम कलेक्टिविस्टिक कल्चर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर आपसी संबंध और ज़्यादा मायने रखते हैं। तो हमारी खुशी को मेंटेन करने के लिए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए आपसी संबंधों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपका फैमिली सेक्टर हो, चाहे आपका वो फ्रेंड सेक्टर हो, चाहे आपका वो ऑक्यूपेशनल या आप कहें कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते हैं, हर जगह आपके संबंध अच्छे होना और हेल्दी होना बहुत मायने रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं दो और जो बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं। ये स्ट्रेटजीज जो हैं वो हैं, नंबर 1 एवरेज 2A+। ये एक इंटरवेंशन प्रोग्राम है जो प्रोफेसर लिनले ने इस एरिया में सीरीज ऑफ रिसर्च करी है, और इनका जो कहना है वो ये है कि हम सब में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स होती हैं, यानी कि हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। हमें उन पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानना चाहिए कि हमारे पास कौन से 5 बेस्ट कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं। हमें उनको ये जानना चाहिए कि हम उनको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इन्हें और ज्यादा कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीरीज में इन्होंने बताया कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करते हैं, हम अपनी कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स पर काम करते हैं, उस दौरान वो स्ट्रेंथ्स हमारे पास हैं। हमें ऐसा नहीं है कि वीकनेसेस हैं और उनको हमें ओवरकम करना है, हमें कुछ नया सीखना है उसके बाद उन्हें इस्तेमाल करना है। स्ट्रेंथ्स हमारा ऑलरेडी, एक तरह से कहें हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हमें और अच्छे से इस्तेमाल करना अपनी लाइफ में सीखना है। जब हम इन स्ट्रेंथ्स को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, हम और अच्छा करते हैं। तो इस सीरीज में इन्होंने बताया है कि जब आप एवरेज लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, उसको A+ बनाने के लिए आपको ये जानना चाहिए, नंबर 1 कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके क्या पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, नंबर 2 आप उनको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें आप और ज़्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी समझ होना, आपको जानना आपको एवरेज टू A+ बनाता है। इसी श्रृंखला में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दो माइंड को भी 2 भागों में बांटा है, जो हम इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाएंगे। ये कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों का फिक्स्ड माइंड सेट होता है, हम नई चीजें नहीं सोचते। कुछ लोगों का ग्रोथ माइंड सेट होता है, हम हमेशा ओपन माइंडेड रहते हैं, नई चीजों को परसीव करते हैं, नई चीजों को समझते हैं, नई चीजों के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, नई चीजों में अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नई चीजें और नई अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में कैसे हमें और अच्छी लाइफ जीने में मदद कर सकती है।
हमारे समाज में दो मानसिकता के लोग हैं, स्थिर और विकासशील मानसिकता। स्थिर मानसिकता वाले लोगों का मानना है कि वो कुछ क्षमताएं या प्रतिभा के साथ जन्म लेते हैं और उसके साथ जुड़े रहते हैं। विकासशील मानसिकता से ये तात्पर्य है कि मैं बदल सकता हूँ। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर से आपका स्टूडेंट मोटिवेशन में स्वागत है और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, यानी कि अपनी ताकत को पहचानो। दोस्तों, हमेशा याद रखो, ताकत किसी भी जीत हासिल करने से नहीं मिलती। जैसे हमने किसी चीज को जीत लिया तो हमें ताकत मिल गई, दरअसल में वो ताकत नहीं होती, ये हमारी गलत फैमिली होती है। ताकत मिलती है हमें संघर्ष करने से। हम अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल करते हैं वही हमारी ताकत को इंक्रीज करता है और दरअसल में वही सच्चाई में ताकत होती है। जब आप अपने दर्द का आनंद लेते हैं वही ताकत है। जब आप खुद को अकेला पाते हैं और अकेले ही खुद को अपने सपने की तरफ बढ़ता देखते हैं, जो आपने गोल्स बनाए हैं, जो एम बनाए हैं, उनकी तरफ अकेला ही खुद को बढ़ता पाते हैं, वही ताकत है। जब हर कोई आपके विरुद्ध खड़ा होता है, आपके अगेंस्ट में खड़ा होता है, फिर भी आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, वही ताकत है। जब आप कष्ट से गुजरते हैं, कठिनाइयों से गुजरते हैं, फिर भी आत्मसमर्पण नहीं करते, वही ताकत है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी कमियां खत्म नहीं करनी, बल्कि इसके बजाय आपको अपनी ताकत को विकसित करना है, अपनी ताकत पर फोकस करना है, अपनी ताकत को डेवलप करना है, अपनी ताकत पे काम करना है, उसे पहचानना है आपकी ताकत क्या है और उसे बढ़ाते रहना है, उस पर काम करना है, अपनी यानी कि स्किल्स को ढूंढना है आपके अंदर क्या स्किल है। क्योंकि हर इंसान गॉड हर इंसान को एक ताकत, एक स्किल दे के भेजता है, एक टैलेंट दे के भेजता है, उसे पहचानो और उसे विकसित करो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं तो अपने आप को स्वीकार करो जैसे आप हो, अपनी ताकत को स्वीकार करो, अपनी कमियों को स्वीकार करो, उन्हें खुद से छुपाने की कोशिश मत करो, खुद से झूठ मत बोलो कि अगर किसी ने कमियां बताई तो आपको उसे सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं यार मेरे अंदर ये कमी नहीं है, ये खुद को सेटिस्फेक्शन दे रहे हो उल्टे सीधे जवाब दे के, तो ऐसा मत करो। जो उसे स्वीकार करो, जो आप जैसे हो भाई हम वैसे ही हैं, ऐसे ही हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखो, आपके अंदर छिपी हुई ताकत को आपके अलावा कोई और नहीं पहचान सकता, इसलिए अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानो और इस दुनिया को दिखा दो कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें अपनी असफलताओं पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि असफलता और सफलता तो चलती रहती है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम सफल हुए तो उसे एक पॉजिटिव थिंक लेके आगे बढ़ना है, और अगर असफल हुए तो उनसे हमें सीखना है, उनसे बहुत चीज सीखने को मिलेगी, सीख के वे गलती दोबारा नहीं करनी और आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों, अपने आप को रोज टाइम दो, थोड़ा सा टाइम निकालो और अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश करो, खुद से खुद के बारे में जानने की कोशिश करो, उससे आपके स्किल्स का पता चलेगा, आपके टैलेंट का पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको अपने बारे में पता चलेगी, पर वो तभी पता चलेगी अगर आप खुद को टाइम देते हो। तो थोड़ा सा टाइम निकालो और खुद को टाइम दो और हर किसी को दिखा दो कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। मेरा भरोसा कीजिए, आप बेस्ट हो, आप इस बात को बाद में जाने या फिर आज। इस सीरीज में हमने बहुत सारी हैप्पीनेस संबंधित स्ट्रेटजीज की चर्चा करी, आशा है आप इनमें से कुछ स्ट्रेटजीज को समझेंगे, जानेंगे और अपनी खुशी बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। अगले सेशन में हम इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस और इनको बढ़ाने वाली स्ट्रेटजीज पर फोकस करेंगे। धन्यवाद।